एकता नगर केवड़िया खाते 3 दिवसनी आरोग्य विभागनी कॉन्फरन्सनो आजथी शुभारंभ थयो छे। आ कॉन्फरन्समां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल केवड़िया हेलीपेडथी सीधा टेंट सिटी 2 पहोंच्या हता। आ टेंट सिटी खाते उपस्थित केन्द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियाए आवकार आप्यो हतो। आ शिबिर बाद मीडिया साथे वात करता मनसुख मांडवियाए जणाव्युं हतुं के देशमां कोविड मेनेजमेंट अने वेक्सिनेशन जे रीते थयुं छे तेनो अन्य देशो अभ्यास करी रह्या छे। अमे जीनोम सिक्वन्स पर भार आपी रह्या छे जेनाथी देशना कया खूणामां कयो वेरियंट एक्टिव छे तेनो ख्याल आवे छे अने तेने कंट्रोल करीए छीए। बाळकोना वेक्सिनेशनने पण मंजूरी मळी चूकी छे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इम्युनाइजेशन एंटागी नामनुं एक्सपर्ट ग्रुप आना पर जे सुझाव आपशे तेना थकी आगळ वधीशुं। भविष्यमां पण कोरोना न फैलाय ते माटे राज्यो साथे संपर्कमां रहीने वैज्ञानिक रीते माइक्रो मैनेजमेंट करीने कोरोनाने रोकवा प्रयत्नो करवामां आवशे। देश में कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन जिस तरह से हुआ है उससे दुनिया स्टडी कर रही है। कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया में आके कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव ये दो विषय पर डिटेल अभ्यास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में देश में कोविड न फैले इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़े दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हम वीकली रेगुलर देश के साइंटिस्ट देश के हेल्थ मिनिस्टर उसके साथ कंसल्टेशन करते रहते हैं। हम जीनोम सिक्वेंसिंग पर भार दे रहे हैं। जीनोम सिक्वेंसिंग से पता चलता है कि देश के कौन से कोने में कौन से क्षेत्र में कौन सा वेरिएंट चल रहा है। जो कोई नया वेरिएंट दिखाई दे तो तुरंत ही उसके पर कार्यवाही करके उसको कैसे कंट्रोल करें उस दिशा में हम सोच सके इस दिशा में हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।